आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इसका इस पर्व को विशेषकर भारत में बहुत ज़्यादा मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भक्त लोग हैं, बिना गुरु बिन भवनी तरह न कोई, जो बिन शंकर सम होई, ये चाहे वो ब्रह्मा विष्णु ही क्यों न हो, उत्तर नहीं सकता व्यक्ति तब तक जब तक वो एक गुरु जी न बना लें। तो गुरु जी बनने से हमारा कल्याण होता है, शरीर कल्याण होता है। ऐसे देखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे गुरु जी इन तीनों से भी बड़े हैं। अतः आज भारत के लोग जो हैं, हिंदू संप्रदाय के लोग, और जिस परंपरा में अपने गुरु बनाए हैं, सबकी पूजा करते हैं, उनको भगवान मान करके, और जो पूजा करते हैं उनको गुरु की विशेष कृपा होती है। यहाँ से मैं मोक्ष की प्राप्ति, गुरु के द्वारा भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ये गुरु का महत्व है। इस भारतीय परंपरा में गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि गु शब्दो अंधकार स्यात्, रु शब्द तन्निरोधक, अंधकार निरोधत्वात् गुरु रित्य विधीयते। अंधकार से हटाकर प्रकाश में बैठा देने की, प्रतिष्ठापित कर देने की क्षमता केवल गुरु में होती है। इसलिए गुरु के द्वारा ही जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए इसी पूर्णिमा को गुरु पूजन और गुरु से ज्ञान आरंभ करने का विधान है।